माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, वो सारी चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं, और जो भी शिक्षक नेता हैं जब सदन ख़त्म होगा तो सबको बुला करके जो है उनसे बात की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। कितनी अच्छी पहल है कि भाई संवाद हो रहा है, एक प्रधानमंत्री है, किसान बेचारा रगड़ता रह जाए नाक रोड पर, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता। पहलवान जो महिला पहलवान है, जो ओलंपिक्स देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में मेडलें जीत के लाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज़ को प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ माहौल अलग है, यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है, तो सब लोग को बुला के राय लिया जाएगा, उनकी भी राय को जानेंगे समझेंगे, और नियमानुसार जो काम होगा बिहार के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, तो ये कोनो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे, और एक महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो है लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है, भय है, और जो महाजुटान लोगों का हो रहा है, और पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है, तो उससे घबराए हुए लोग हैं। मैं मंत्री बने 18 महीने तक, उप मुख्यमंत्री रहे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कौन सा अपराध कर लिया जो भ्रष्टाचारी कह रहे हो? लेकिन महाराष्ट्र में छगन भुजबल जो पवार अजीत पवार जो हैं, कुछ दिन पहले चार्जशीट हुआ, छगन भुजबल जेल होकर के आए, अब बीजेपी जो है माला पहन के स्वागत कर रही है, तो भ्रष्टाचारी नहीं है, वॉशिंग मशीन है ना भाजपा, लेकिन इनका पाउडर ख़त्म हो रहा है, टाइमलाइन ख़त्म हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, जनता बंद करेगी। इनके भाजपा के, देखिए हम पहले भी बोले थे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है झूठ बोलने की फैक्ट्री भी है, होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और ये झूठ बोलने वाली जो कंपनी है भारतीय झूठा पार्टी, इस पे जनता ताला लगाने जा। बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास या बिहार की जनता की चिंता नहीं है, और लगातार जो भी कार्रवाई है नियमानुसार सदन को चलने देना चाहिए, वो चलने नहीं दिया जा रहा। हंगामा, ऐसा हंगामा जहाँ टेबल कुर्सियाँ जो हैं पटकी जा रही है, तो बिहार की जनता सब चीज़ देख रही है कि ये लोग जो हैं जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब नहीं है, इनका एकमात्र मकसद है केवल हंगामा करना और सदन को ना चलने देना। कभी भी कोई भी ऐसी बात, तार्किक बात या बहस इनके नेता करते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। हम लोग तो बड़ी तैयारी के साथ आए थे कि भाई सारे सवालों का हम लोग जो है जवाब देंगे, लेकिन प्रश्नकाल जो होता है, सत्र जो चलता है, तरांकित होता है, ध्यान आकर्षण होता है, अल्पसूचित होता है, जहां कई माननीय सदस्यों का सवाल जो है पूछा जाना होता है, लेकिन उसको भी नहीं चलने दिया गया।